देखिए ये एक और ट्रिकी क्वेश्चन है लाइब्रेरी रूटीन से रिलेटेड। हमें सुडो कोड लिखना है टू जनरेट अ रैंडम इवन नंबर बिटवीन 0 एंड 10। ओके, तो हमें बेसिकली इसमें रैंडम फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमें रैंडम नंबर भी जनरेट करना है और वो इवन नंबर भी होना चाहिए। देखिए, तो इसकी लॉजिक पहले समझ लेते हैं, मेरे ख्याल फिर आप कोड शायद खुद भी लिख सकें। अगर हम रैंडमली एक नंबर 0 से 5 की रेंज में प्रोड्यूस कर दें, राइट, और फिर उस रैंडम नंबर को अगर हम राउंड ऑफ कर दें, उसको हम राउंड ऑफ कर दें, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 0 से 5 तक लेके कोई भी वैल्यू हो जाएगी, पर होंगे सारे होल नंबर्स बिकॉज हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया है 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, राइट। ऐसे ही करना है ना हमने, बिकॉज हमें 0 से लेके 10 तक कोई होल नंबर बेसिकली आउटपुट करना है, तो इवन नंबर, तो 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से हम राउंड ऑफ कर दें जो भी हमारा रैंडम नंबर प्रोड्यूस हुआ था 0 से 5 तक, उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो अब हमारे पास इवन नंबर्स की बारी रह गई है। हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, 0 से 5 तक आ गई हैं। अब अगर 0 से 5 वाली वैल्यू को, जो भी वैल्यू आई हुई है, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आ जाएंगे। देखिए, अगर 0 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 ये 0 आ जाएगा, अगर 1 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 2, 2 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरह अगर हमारे पास 0 से लेके 5 तक होल नंबर्स पड़े हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रैंडम का फंक्शन यूज़ करेंगे, राइट, और रैंडम का फंक्शन यूज़ करते हुए हम 0 से 5 तक की एक वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे और उसको एक्स में सेव कर देते हैं, राइट। तो एक्स में एक 0 से लेके 5 तक की रेंज का एक रियल नंबर आ गया है। अब इस रियल नंबर को हम राउंड ऑफ करके होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वाई के अंदर राउंड ऑफ करके एक्स की वैल्यू को, याद रखिए एक्स में 0 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3.71, 4.82, कोई भी वैल्यू हो सकती है ना एक्स के अंदर, तो हम उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, और उसको राउंड ऑफ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कर रहे हैं, 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसका मतलब है हमारा नंबर जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर 3.71 को हम 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ख़त्म हो जाएंगे, मगर हमने 0.71 को राउंड ऑफ किया है तो 3.71 क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो आपको समझ आ गई है। अच्छा देखिए, तो अब हमने क्या अचीव कर लिया है, हमारे पास वाई के अंदर 0 से ले के 5 तक कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया है। अब इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप रह गया है, हमने आउटपुट करना है ना, और हमने आउटपुट क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं 0 से लेके 5 तक, इनको हमने अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब वाई की वैल्यू, वाई में पड़े हुए होल नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो इवन नंबर आ जाएगा, राइट, क्योंकि वाई के अंदर क्या वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो अगर अब इन नंबर्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे हैं कि जो रिज़ल्ट आएगा वो इवन नंबर ही होगा, राइट, और हमारी कंडीशन भी फुलफ़िल होगी, वो 0 से 10 के दरम्यान इवन नंबर होगा, राइट। यही कंडीशन हमने लगाई हुई थी ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। होपफुली आपको लॉजिक समझ आ गई, थोड़ी सी ट्रिकी है और शायद मैं थोड़ा कम टाइम ले रहा हूँ, बट होपफुली एक एक थिंकिंग स्टाइल आपका डेवलप हो रहा है, आपको समझ आ रही है कि अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज हमारी 0 से 5 हो जाएगी, और फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से तो होल नंबर बन जाएगा, और फिर ये पार्ट शायद ट्रिकी था, इस 0 से 5 को आप कैसे इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 करके। एग्ज़ाम के अंदर अगर एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कई दफ़ा ट्रिकी होता है, और याद रखिए अगर एग्ज़ाम में ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो वो सबसे एंड पे सॉल्व करना, उस पर शुरू में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना।